सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैंस हो तो आपके लिए एक बैड न्यूज सामने निकल गई है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। गुरु लोगों, जैसे कि हम सबको पता है, सलमान खान की टाइगर 3 के बाद आगे हमें कई फिल्में देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें से टाइगर 3 के बाद कई बड़ी एक्शन फिल्में थी और कई रोमांटिक फिल्में थी, जिसमें से एक का नाम था प्रेम की शादी। बात तो सही है, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसे इससे अगले साल 2025 में रिलीज किया जाएगा। इन दोस्तों, फिल्म को तो 25 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन इस बार हमें सलमान खान नहीं बल्कि और एक्टर फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सलमान खान ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया है। एंड चलिए जानते हैं सलमान खान ने किस कारण से इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। देखो भाई लोगों, सलमान खान की अब से पहले आपने जितनी भी फिल्में देखी होंगी वो सारी की सारी फैमिली ड्रामा फिल्म होती हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर फिल्में देख सकते हो। लेकिन सलमान खान ने जो प्रेम की शादी को करने से इनकार किया, वो मूवी की स्क्रिप्ट के अनुसार इनकार किया है, क्योंकि दोस्तों सलमान खान को इस मूवी की स्टोरी समझ नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। और इस मामले में अब लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रही है कि इस फिल्म में हमें सलमान खान की जगह शाहिद कपूर देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की जगह इस फिल्म में बॉलीवुड के चॉकलेटी स्टार शाहिद कपूर की एंट्री होने जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल के नहीं आई है। आपको क्या लगता है, सलमान खान ने इस फिल्म को छोड़ के सही किया या फिर गलत, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।